मध्य प्रदेश के खरगोन में मुस्लिम जमात ने एक अनूठी पहल की है। सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या फैसले के दौरान शांति सद्भावना बनाए रखने के लिए मुस्लिम जमात ने शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद शहर की 47 मस्जिदों में ऐलान करवाया। सभी मस्जिदों के सदर ने पढ़ा पैगाम। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पक्ष में आए या विरोध में भाईचारा और शहर की अमन चैन शांति बनाए रखने में योगदान देंगे। जुम्मे की नमाज के बाद करीब 40,000 मुस्लिमों को एक साथ संदेश दिया। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के अति संवेदनशील शहरों में खरगोन शामिल है। जिला मुख्यालय पर मुस्लिम जमात ने की सद्भावना की पहल। शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के शहर की सभी 47 मस्जिदों में सदर ने पढ़ा भाईचारे और अमन चैन शांति बनाए रखने का संदेश। किसी तरह की अफवाह पर ध्यान न देने और एक दूसरे को सहयोग देने, धैर्य बनाए रखने का दिया संदेश। राम जन्मभूमि अयोध्या के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के दिन निर्णय पक्ष में आए या विपक्ष में, हमें भाईचारा बनाए रखना है, शहर की शांति भंग ना हो इसका ख्याल रखना है। इस तरह का संदेश सभी मस्जिदों में शुक्रवार को नमाज के दौरान पढ़ा गया। मुल्क की अदालत का फैसला कबूल करें, साथ ही इसका एहतराम और इज्जत करें। जमात तमाम भाइयों से गुजारिश करती है, मुल्क की आला अदालत सुप्रीम कोर्ट से आने वाले फैसले को हम खुशी के साथ कबूल करें, अमन और शांति बनाए रखें। फैसला चाहे जो भी हो, हमको कबूल करके एक अच्छे शहरी होने का सबूत देना है। अफवाहों पर हरगिज ध्यान न दें, अफवाहें फैलाने वालों को रोकें और उनको समझाएं कि मुल्क की अमन और शांति और तरक्की से बड़ी और कोई दौलत नहीं। इसलिए हम सब मिलकर हमारे वतन में अमन शांति कायम करें और मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाने की कोशिश करें। फकत व सलाम सदर व अराकीन जमात इस्लाम मुस्लिम पर। मस्जिदों में आज खरगोन शहर के 47 मस्जिदों में जमात की ओर से हमने अपील भेजी है अमन और शांति की, कि खरगोन की मस्जिदों में सारे मुसलमान जो नमाज में जुम्मे को रोज इकट्ठा होते हैं तो उनको सबको पढ़ के हर मस्जिद में सुनाई गई है अपील कि भाई बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का जो फैसला आने वाला है ये बरसों पुराना फैसला है, इसमें अमन और शांति बनाए रखना है। कुछ चाहे अपने हक में आए अपने विरोध में जाए, अपनों को शांति बनाए रखना और अपने शहर की शांति में, अमन और शांति में कोई कमी नहीं आने दें। वैसे इस खरगोन शहर में हिंदू मुस्लिम सब एकता से रहते हैं और भाईचारा है। हिंदू मुसलमान एक दूसरे के बगैर काम नहीं चलता है, धंधा व्यापार शादी ब्याह सब में एक दूसरे के आते जाते हैं और इसीलिए हमने मस्जिदों में अपील की है कि फैसला कुछ भी हो हमारे शहर का माहौल, हमारे देश का माहौल बिगड़ने नहीं देंगे। सिराजुद्दीन शेख, सदर जमात इस्लाहुल मुस्लिमीन खरगोन। पूरे देश भर में हिंदू मुस्लिम सभी एक हैं और खरगोन में भी एकता का संदेश देते हुए सारी मस्जिदों में आज ऐलान किया गया। किस तरह का ऐलान किया गया? अल्हम्दुलिल्लाह, खरगोन जमात इस्लाहुल मुस्लिमीन की जानिब से लगभग 50 मस्जिदें हैं जो हमारे शहर में हैं, लगभग 30,000 से 40,000 मुसलमान उसमें नमाज पढ़ते हैं और आज सभी को एक ही आवाज़ में ये समझाया गया है कि ये जो मुतनाज़ा, ये विवादित जो मुकदमा था, ये काफ़ी अरसे से इस मुल्क को हिलाए हुए था और जो भी फैसला जिसके हक में आएगा, चाहे वो मंदिर के हक में आए चाहे मस्जिद के हक में आए, हमको इसको मानना है सर झुकाकर और किसी भी तरीके का हमको इसमें गम और खुशी का इजहार नहीं करना है, ना ही कोई एहतजाज धरना प्रदर्शन करना है और ना ही कोई इश्तियार लगे अंग्रेज यानी भड़काऊ कोई नारे लगाना है। आज मुल्क को मुत्तहिद करने की ज़रूरत है। मंदिर मस्जिद ये पूरे मुल्क में पटे पड़े हैं, आप जानते हैं कि इस तनाज़े की वजह से, इस विवाद की वजह से हिंदू मुस्लिम एकता को कितना खतरा हुआ है, कितनी भाईचारगी इसमें जो है डैमेज हुई है। आज वक्त है कि इसको रिपेयर किया जाए और अल्हम्दुलिल्लाह मैं शहर पर पुलिस प्रशासन का और लायंस क्लब का, रोटरी क्लब का, जिन्होंने इस मुहिम के ज़रिए से पूरे शहर को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया है, मैं उनको इसका धन्यवाद देता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से मैं उनका शुक्र अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सारे शहर के मुसलमानों को मस्जिदों में जो नमाज पढ़ने आए थे सबको समझाया गया कि देखो भाई एकता में ही इस देश की जो है मतलब की सुरक्षा है और हम जब तक एक रहेंगे ये मुल्क एक रहेगा, ये जीडीपी हमारी तभी बढ़ेगी कि जब हम हिंदू मुस्लिम एक रहेंगे, वरना लड़ते रहेंगे तो ये रोजगार भी ख़त्म हो जाएंगे, ये हिंदू मुसलमान और ये मस्जिदें भी वीरान हो जाएगी और ये मंदिर भी वीरान हो जाएंगे, क्योंकि लड़ने मरने से किसी का फायदा है नहीं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे